दिव्यांग बेटे की मौत के बाद मानसिक रूप से कमजोर मां ने किसी को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगने दी। लेकिन जब वार्डवासियों को घर के अंदर से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मामला है मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कोतवाली थाना इलाके का। यहाँ 5 नंबर वार्ड में रहने वाली शांति देवी के दिव्यांग बेटे धर्मपाल की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मां ने यह बात किसी को भी नहीं बताई। जब पड़ोसियों को घर के अंदर से बदबू आई तो उन्होंने घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन शांति देवी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराकर मोहल्ले वालों की मदद से मृतक का अंतिम संस्कार कराया। जानकारी के मुताबिक महिला के पति की मौत के बाद उनकी पेंशन के सहारे इनका जीवन यापन होता था और उनके जीने का सहारा केवल उनका दिव्यांग बेटा ही था। नहीं रखी हो तो दे दो ये। देख दे के लाने। पैसा नहीं चाहने हमरे। हाँ नहीं चाहने रे अंदर पैसा नहीं। पैसा नहीं देख भी फिर। देख भी भर चाहने हैं भाई। अम्मा की तो हो रहा। कौन है कितने? अम्मा की। गणेश सारों के। हाँ। आओ। अम्मा सुनोगे ये हमारे को और राखी से कमजोर है। आओ आओ आओ। अम्मा सुनोगे ये अम्मा के पास रखी कोई दो चार की को। आओ आओ। आओ। अरे काम कर ना। हाँ। आओ वो पति निकल। वो खत्म हो गए। पैसा की लालच नहीं। और ना ये करना चला कि जब मोहल्ले वालों को उसने सुबह इत्तला किया कि लड़का है हमारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मोहल्ले के लोग उधर पे पार्षद समेत पहुंचे और उन्होंने पुलिस के लिए इत्तला दी। उसके बाद पुलिस की 100 नंबर गाड़ी आई। उसके बाद सब प्रोसेस होने के बाद बॉडी का पंचनामा हुआ। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुँचाया गया। उसके बाद सभी मोहल्ला वालों ने मिलकर उसका देह संस्कार किया और ये पूर्णतः विकलांग था जन्म ही से। इसका ये मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकलांग था और इसकी जो माँ है वो भी थोड़ी दिमाग से सही नहीं है और यही सब हुआ। और फैमिली मैन का कोई और नहीं है? फैमिली मैन के पिताजी जैसे वो 2012 में एक्सपायर हो गए थे। वो भी रेलवे के रिटायर कर्मचारी थे और इनका फैमिली में ऐसा कोई नहीं है। दरअसल ये करबी के साइड के हैं, करबी चित्रकूट साइड के। थाना प्रभारी अरविंद दांगी का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकता है। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से कमजोर है। कल सूचना प्राप्त हुई कि धर्मपाल पिता चंद्रपाल मिश्रा अपनी मां के साथ निवास करते थे और आसपास के लोगों ने सूचना दी कि घर से बदबू आ रही है। इस आधार पर पुलिस वहाँ पहुँची थी और देखा कि धर्मपाल की मौत हो चुकी थी और उसकी माँ जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, धर्मपाल दिव्यांग था। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करके और आसपास के लोगों की मदद से उसके अंत संस्कार कराया गया। हाँ ये सही है कि माँ ने आसपास किसी व्यक्ति को नहीं बताया कि उसका बेटा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। आसपास के लोगों ने सूचना प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर हमने दूसरे टाइम पर जाँच की गई। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज़।